So good morning, friends. सुप्रभात, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर. होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. तो भाई, हम लोग पहुंच गए थे शिमला कल, जैसे देखा था. अब बहुत ज़्यादा थक गए थे तो आराम से सो गए, अपना खा पी के. अब सुबह उठे अराउंड 8:30-9 बजे करीब उठे थे. उसके बाद चाय नाश्ते का ऑर्डर कर दिया है. तो आशियाना होम्स में आने का फ़ायदा ये है ना कि यहाँ पे यार आपको सिर्फ ऑर्डर करना है और भैया खुद ला के आपको दे देंगे और सब कुछ मिलेगा आपको. ब्रेड, बटर, दही, जो मर्जी चाहिए यार, सब मिलेगा खाने के लिए. तो हाँ, रूम पे दे दो भैया. तो ब्रेकफास्ट आ गया हमारा, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं. देखते हैं शिमला का मॉल रोड और ये सब घूमते हैं, देखते हैं. बहुत टाइम बाद आए हो तो देखते हैं कैसा है. अभी तो लोगों ने बोला बहुत चेंजेस हो गए. मैगी बन रही है. अब जैसा कि मैंने बोला था, मॉर्निंग इतनी सुबह इतनी प्यारी धूप निकली हुई है और मौसम भी इतना अच्छा है, मतलब ब्यूटीफुल है यार. मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे. और यहाँ का जो व्यू है ना, वो भी अमेजिंग है. तो मज़ेदार है यार. सुबह का नाश्ता तैयार है. मैगी हो गई है, पापड़ भी सेक लिए, अचार भी है और पराठे भी आ गए हैं. तो फटाफट से खाते हैं और फिर निकलते हैं. अब इतना प्यारा मौसम, धूप भी है, ठंड भी है और व्यू भी है. मज़ा आ गया ऐसे व्यू में चाय पीने का, मैगी खाने का. तो ऊपर चलते हैं और फिर चलते हैं मॉल रोड और दिखाते हैं मॉल रोड का हाल आपको. ये तो भयंकर वाला है. मेरे ख्याल से यही है बस स्टैंड. ये बस स्टैंड हो गया. ये बस स्टैंड हो गया. ये गुरुद्वारा. अब पार्किंग ना ऊपर है मेरे ख्याल से, वो लिफ्ट के पास में, जहाँ पे लिफ्ट है ना, राइट हैंड साइड पे. और पार्किंग में है, कार पार्क कर दी है. अब फटाफट से ऊपर चलते हैं. अब एक्चुअली लिफ्ट ही लेनी पड़ेगी, बिना लिफ्ट के तो नहीं जा पाएंगे. अच्छा, राजेश टावरी की रुको लो मैं. चलो 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 तो सामने ये टिकट काउंटर, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं. टिकट आप ऊपर जाने की, आने की, दोनों तरफ के एक साथ भी ले सकते हैं. इससे जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, सामने ही आपको पड़ता है ये इंदिरा गांधी खेल परिसर और उसके आगे बहुत सारे ये आप ट्रॉलीज देख रहे हैं. तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप इन ट्रॉलीज में बैठा के आराम से मॉल रोड इन्जॉय कर सकते हो और आपको बर्डन नहीं पड़ेगा, मतलब आपको गोदी में टांग के नहीं ले जाना पड़ेगा. ये है. तो ऐसा कुछ नज़ारा है मॉल रोड का आज. बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है बट ठीक है. एंड देन शॉप्स पहले भी थी इतनी. टैन टैन आयन, ये अपनी काम की दुकान, वैसे बहुत लोगों की काम की दुकान, बट अभी जाना नहीं है. तो फाइनली वी हैव रीच्ड. और ऐसा कुछ नज़ारा है चर्च. और अच्छी खासी धूप निकली हुई है तो लोग मस्त इन्जॉय कर रहे हैं. तो ये सब वो पल है यार, मतलब हम पहले भी बचपन में ये सब करते थे. कोई उड़ाता था तो उसको फोड़ने जाते थे. सो आज भी वही सब चल रहा है. मतलब देखो यार, मतलब अब आज हम ये नहीं करते हैं, कभी कभी करते भी हैं बट अब हमारा टाइम नहीं रहा. अब तो हमारे फ्लैग को देखो, इतनी अच्छी हवा भी चल रही है, धूप भी निकली हुई है, मस्त लहर रहा है और देख के ना इतनी खुशी मिलती है. एक प्राउड मोमेंट लगता है इसके नीचे आप खड़े हो और आप देखो इस तरह से लहराते हुए तिरंगे को. सो इट फील्स सो गुड. एंड देन यू नो कि हिमाचल को 50 साल पूरे हुए हैं, पूर्ण राज मिले हुए. तो अभी 25th को ही मिला है, 25th या 26th को हुआ है. तो उसकी वजह से कुछ अच्छा सा प्रोग्राम भी रखा हुआ है तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं. सो दिस इज़ द कम्प्लीट व्यू. मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है बट हाँ ठीक है. दैट्स द लाइब्रेरी, द स्टेट लाइब्रेरी ऑफ शिमला. और
ये आपका चर्च, ये चर्च तो आप जानते ही होंगे, कौन नहीं जानता इस चर्च को, इतनी मूवीज़ में आपने देखा हुआ है इस चर्च को। और ऊपर जाखू टेम्पल, हनुमान जी की प्रतिमा साफ साफ दिख रही है यहाँ से। एंड देन अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ से केबल कार से, तो पर पर्सन अराउंड 500 रुपीज़ लगता है, एंड बाय कार डिपेंड्स कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से आपको छोटी या बड़ी गाड़ी मिल जाती है ऊपर ले जाने के लिए। हिमाचल टूरिज़्म का कुछ लगा हुआ है, तो चलते हैं अंदर देख कर आते हैं हिमाचल टूरिज़्म का क्या है एक्चुअली में, और क्या नज़ारा है। ओह दैट्स वेरी नाइस। सो 50 साल पूरे हुए हिमाचल को, पूर्ण राज का स्वर्ण जयंती वर्ष है। तो ऐसा सा कुछ सेटअप था अंदर पे बनाया हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पे कि आप सेल्फी फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हो। एंड देन यू कैन नो मोर अबाउट शिमला, मतलब कैसा है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं पहाड़ों पे, वो सब आप देख सकते हो। एंड देन ऑब्वियसली 50 इयर्स जो पूरे हुए थे पूर्ण राज मिले हुए, तो वो भी था। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव स्पेस था जहाँ पे कि मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिला था, तो इट्स नाइस। क्या खाना है? अब जब आप टॉप पे हो तो वहाँ पे दो दुकानें हैं जहाँ पे कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी, मोमोज, आइसक्रीम, चिप्स वगैरह। तो मोमोज का लव है तो मोमोज चटनी उसकी, और वो मज़ा आ गया, देख के ही मज़ा आ जाता है। तो खाते हैं फटाफट से मोमोज को, एंजॉय करते हैं, क्योंकि मौसम भी था तो उस मौसम में खाने का मज़ा भी अलग था। तो वी रियली एंजॉयड मोमोज। एंड देन हाँ, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती है बट स्टिल ठीक है। एंड देन हंसी मजाक तो चलता ही रहता। तू तो उल्टा बोलता है खाने के लिए, तू तो और बोलता है खाने के लिए। चिकन खाओ, टांग खाओ, मुर्गा खाओ। हॉर्स राइडिंग जैसे एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे लोग कर रहे हैं यहीं पे मॉल रोड पे, थोड़ा सा घुमा देते हैं ये लोग, तो हॉर्स राइडिंग आप कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे आप हिमाचली ड्रेस पहन के अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। एंड देन यहाँ पे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पिक्चर, प्रतिमा जो बनी हुई है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ। तो ऐसा सा कुछ नज़ारा है आज मॉल रोड का ऊपर में, एंड हु नोज, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। मतलब यहाँ पे आना इस मौसम में एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब ऐसा मौसम होगा, बट धूप और जो ठंड का कॉम्बिनेशन है उसने मतलब अमेजिंग बना दिया है। मतलब यहाँ पे आप कितने भी घंटे निकालो आज आप बोर नहीं होगे। इट इज़ सो नाइस, वेरी नाइस। पूरा मॉल रोड पे घूमते घामते फिर अपना वापस गाड़ी को पिक करते हैं और चलते हैं यहाँ से अपने होटल के लिए। जाखू टेम्पल हम नहीं जा रहे मे बी, क्योंकि यार देखो जाखू टेम्पल जाने में कुछ नहीं है, बट हाँ ये है कि वहाँ पे जाना और आना थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आगे वाले वीडियोज़ में अगर मैं जाता हूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। इन द मीन टाइम आपको बता दूँ कि जाखू टेम्पल अगर जाना है तो केबल कार भी है, एंड देन आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो, तो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो वैसे तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। तो फॉर अभी कुछ शॉट्स और आएंगे तो वो आप देखना जब तक हम जा रहे हैं होटल तक। और फॉर व्हाट्स एवर रीज़न आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चैनल को ट्रैवल टू एक्सप्लोर। तो मिलते हैं आपको इसी के साथ अगले ब्लॉग में हमारे शिमला डायरीज़ में। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप मॉल रोड आओ, शिमला घूमो और लक्कर बाज़ार ना घूमो। तो थोड़ा सा लक्कर बाज़ार भी घूमे और घुमा भी दिया, और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं यार यहाँ पे। मतलब आपको अगर अपने घर के डेकोरेशन के लिए चाहिए तो दे हैड अ वाइड रेंज ऑफ वैराइटीज़ यहाँ पे। हम भी एक शॉप पे गए थे आंटी की, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, तो हमने कुछ गाड़ियाँ, कुछ चीज़ें, एंटिक चीज़ें खरीदी जो कि अपने घर पे शोपीस के लिए, अंदर एक यादगार के लिए, अब हमेशा के लिए रखने के लिए।
तो वो सब चीज़ें ली यहाँ पे शॉप पे। अच्छा था, मतलब शॉप भी अच्छा था, आंटी भी अच्छी थी। तो एंड देन दे डू हैव द डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, तो आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे से भी आप पेमेंट कर सकते हो। वापस चलो अपने होटल के लिए। तो वापस हम चलते हैं अपने होटल के लिए। तो फटाफट से होटल पहुंचते हैं और कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं वहाँ पे। लेट्स गो। ओहो, मकेन्स फ्राई हो रहे हैं। स्माइली, ओहो स्माइली मकेन, हमेशा हमारे हर वक्त आपके साथ। और फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गए हैं।